गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सोशल स्टडीज के बारे में। टॉपिक का नाम है इंडियन स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। आज हम इंडिया के कितनी स्टेट्स हैं और उनकी क्या क्या कैपिटल्स हैं उनके बारे में जानेंगे। अच्छा बच्चों, आज हम बात करेंगे भारत और भारत के राज्य और उनकी राजधानियां कौन कौन सी हैं। देखिए आप, ये हमारा पूरा भारत का मानचित्र है। इसमें हमारा क्या है, देखे हो आप, इस ये जो जम्मू कश्मीर की साइड है ये हमारा उत्तर है, जो ये तमिलनाडु और जो केरला की साइड है ये हमारा दक्षिण है, आसाम की साइड हमारा पूर्व है और राजस्थान और गुजरात की साइड हमारा पश्चिम है। ये हमारा पूरा का पूरा, इसमें यह भारत का मानचित्र है। इसमें सभी राज्य और राजधानियों के बारे में दिखाया गया है। देखो बच्चों, हमारे देश का नाम क्या है, भारत। हम कहाँ रहते हैं, भारत में। और जो भारत की जो राजधानी है वो क्या है, कौन सी है, नई दिल्ली। और नई दिल्ली कहाँ पे है, ये देखो ठीक यहाँ पर, कहाँ पे है, यहाँ पर। अब इसके बाद हम हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश क्या है, एक राज्य है और इसकी राजधानी क्या है, शिमला है। क्या है, शिमला। हिमाचल प्रदेश हमारा राज्य है और उसकी राजधानी का नाम है शिमला। ठीक उसके बाद हमारा पंजाब है, पंजाब की राजधानी, पंजाब एक हमारा राज्य है और उसकी जो राजधानी है वो कौन सी है, चंडीगढ़। ठीक उसके नीचे हमारा हरियाणा राज्य पड़ता है और उसकी जो राजधानी है उसकी भी हमारी चंडीगढ़ ही है। उससे थोड़ा सा नीचे अगर हम आते हैं तो हमारा है उत्तर प्रदेश साइड में, उत्तर प्रदेश हमारा राज्य है और उसकी जो राजधानी का जो नाम है वो है लखनऊ। इधर साइड में हमारा जो एक और राज्य है राजस्थान, ये हमारा राजस्थान है, राजस्थान की जो राजधानी है वो है हमारी जयपुर। देखो बच्चों, राजस्थान से ठीक उससे थोड़ा सा नीचे हमारा गुजरात है और गुजरात की जो राजधानी है वो कौन सी है, गांधीनगर। कौन सी है, गांधीनगर। और गुजरात के ठीक साइड में हमारा एमपी मध्य प्रदेश पड़ता है। क्या पड़ता है, मध्य प्रदेश। और उसकी जो राजधानी है वो है भोपाल। कौन सी है, भोपाल। उसके ठीक नीचे हमारा महाराष्ट्र है। क्या है, महाराष्ट्र। और जिसकी जो राजधानी है वो है मुंबई। कौन सी है, मुंबई। महाराष्ट्र हमारा स्टेट है, इंडिया का एक राज्य है और उसकी जो राजधानी है वो है मुंबई। ठीक महाराष्ट्र के नीचे ही हमारा क्या है, कर्नाटक। ये हमारा गोवा है। क्या है बच्चों, गोवा है। और गोवा की जो राजधानी है वो है पणजी। क्या है, पणजी। देखो यहाँ पे छोटा सा है ना, ये हमारा गोवा है और इसकी जो राजधानी है वो है पणजी। उसके जो नीचे है साइड में वो हमारा कर्नाटक है, कर्नाटक हमारा राज्य है और उसकी जो राजधानी है वो है बेंगलुरु। उससे थोड़ा सा और हम नीचे आते हैं दक्षिण की साइड, ये हम बढ़ रहे हैं। और इसके जो नीचे है, जो कर्नाटका के नीचे हमारा केरला है, केरला है। और केरला की जो केरला एक स्टेट है और केरला की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। क्या है, तिरुवनंतपुरम। अब केरला के जो साइड में हम जाते हैं ऊपर की साइड, थोड़ा साइड में वो हमारा तमिलनाडु है। और जो तमिलनाडु की जो वो स्टेट है तमिलनाडु भारत का, और उसकी जो हमारी एक राजधानी है उसकी तमिलनाडु की, वो चेन्नई है। कौन सी है बच्चों, चेन्नई। उसे थोड़ा सा ऊपर जाके हमारा आंध्र प्रदेश है, ये भी हमारा एक राज्य है और इसकी जो राजधानी है वो हमारी हैदराबाद है। कौन सी राजधानी है इसकी, हैदराबाद।
उसका ऊपर जाके हमारा छत्तीसगढ़ हमारी एक स्टेट है, छत्तीसगढ़ स्टेट है, ये भी हमारा राज्य है भारत का। उसकी जो राजधानी है वो हमारी रायपुर है। छत्तीसगढ़ हमारा स्टेट है, उसकी जो राजधानी थी वो थी हमारी बच्चों रायपुर। उसके साथ में हमारा उड़ीसा है और उसकी जो राजधानी है वो है हमारी भुवनेश्वर। कौन सी है? भुवनेश्वर। और यहाँ पे उड़िया हमारी भाषा है। उसके ठीक ऊपर हमारा झारखंड है। कौन सा राज्य है? झारखंड। और झारखंड की जो हमारी राजधानी है वो है रांची। कौन सी है? रांची। अब झारखंड के साइड में हमारा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल हमारा राज्य पड़ता है। वो उसकी जो राजधानी है वो है कोलकाता। झारखंड से ऊपर हमारा बिहार राज्य है। बिहार की जो राजधानी है वो हमारी क्या है? बिहार की राजधानी का नाम है पटना। क्या नाम है? पटना। अब हम बच्चों थोड़ा सा बिहार से थोड़ा सा पूर्व की साइड जाते हुए हमारा क्या है वहां पे? सिक्किम है। छोटा सा ये देखो आपको दिख रहा है, ये हमारा सिक्किम है। सिक्किम हमारा राज्य है और गैंगटॉक हमारी क्या है? राजधानी है। देखो बच्चों हमारा यहाँ पे देखो, जहाँ पे हमारा ये उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश से ठीक थोड़ा सा ऊपर जाके क्या है हमारा? उत्तराखंड है। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड की जो राजधानी वो कौन सी है? देहरादून है। कौन सी राजधानी है उत्तराखंड की? देहरादून। अब इस साइड देखते हैं, इधर जाते हैं, ये हमारा जो वेस्ट बंगाल के साइड में है हमारा, ये हमारा क्या है? त्रिपुरा है। त्रिपुरा है, त्रिपुरा हमारा राज्य है और अगरतला इसकी क्या है? हमारी राजधानी है। अब इसका थोड़ा सा ठीक नीचे हमारा मिजोरम और आइजोल इसकी राजधानी है। थोड़ा सा बच्चों और साइड में जाएंगे, वहां पे हमारा मणिपुर भी है। मणिपुर भी हमारा राज्य है और उसकी जो राजधानी का जो नाम है वो है इम्फॉल। थोड़ा इसके मणिपुर से थोड़ा ऊपर जाके हमारा नागालैंड है, उसकी जो राजधानी है वो है कोहिमा। देखो बच्चों थोड़ा सा इसके और ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ये भी हमारा पूर्व में पड़ता है और इसकी राजधानी का जो नाम है वो ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम ईटानगर है। देखो बच्चों ये हमारा असम है। कौन सा राज्य है हमारा पूर्वी इसमें? असम है और असम की जो हमारी राजधानी है वो है दिसपुर। और इसके थोड़ा सा नीचे हमारा मेघालय राज्य है जिसकी राजधानी हमारी शिलोंग है। कौन सी राजधानी है इसकी? मेघालय की शिलोंग। आज हमने बच्चों भारत के राज्य और राजधानियों के बारे में ही पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है? भारत के राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में। आशा करती हूँ आप सभी बच्चों को ये भारत के राज्य और राजधानियों का के बारे में के विषय में आपने अच्छे से जान लिया होगा और आपको ये भी पता लग गया होगा कौन से राज्य पूर्वी क्षेत्र में है, कौन से पश्चिम में है, कौन से उत्तर में और कौन से हमारे दक्षिण में है और वो किस किस जगह पे और किस किस राज्य से बिलोंग करके साथ में लगते हैं।